इनाम अल्लाह है। मैं बाय प्रोफेशन पटवारी हूँ और पिछले 10 सालों से ट्रैकिंग करता आ रहा हूँ और संडे के दिन मेरा ये रूटीन रहता है कि मैं ट्रैकिंग पे जाता हूँ। और क्या हुआ कि मैं नुनकुल की तरफ जा रहा था और रास्ते में मैंने देखा कि कुछ इम्प्रेशंस लगे हैं पत्थरों पे। जब मैंने बारीकी से देखा तो मुझे लगा ये फॉसिल्स है, तो मैंने कन्फर्म किया कि ये फॉसिल्स है क्योंकि मैं देखता रहता हूँ जंगलों में फॉसिल्स होते रहते हैं। लेकिन वो एक बड़ी साइट थी और इंटरेस्टिंग साइट थी तो मुझे वहाँ फॉसिल्स मिले। फिर मैंने अपने डी साहब को कॉन्टेक्ट किया, उनके साथ कम्युनिकेट किया, तो उनके साथ फोटोज भी शेयर किए, तो उन्होंने भी कन्फर्म किया कि ये फॉसिल्स है। और हमने प्रोग्राम भी बनाया था थोड़ा कुछ, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को कॉन्टेक्ट करें और जियोलॉजी, मेरे कुछ जियोलॉजिस्ट भी हैं जो मेरे दोस्त हैं, उनके साथ भी मैंने शेयर किया था। तो मैं चाह रहा था थोड़ा इस अलग ढंग से ये डिपार्टमेंट के हवाले किया जाए ये साइट, और मैं चाह रहा था कि जियो टूरिज्म प्रमोट हो और इको टूरिज्म के लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, दरअसल बात यह है कि मैं जो रूफ हमजा और मंजूर जावेद साहब हैं या जावेद मंजूर साहब हैं, उन्होंने जब खोज की संगम साइड में, एहरबल संगम साइड में जब उन्होंने खोज की तो मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हुआ, तो मैंने भी ये खोज शुरू की। मुझे पूरा पता था कि इस हमारी साइड में ये इसमें बहुत सारा फॉसिल दबा हुआ है, तो मुझे पूरा पता था कि मुझे भी फॉसिल मिल सकता है। दरअसल जो रूफ हमजा साहब और जावेद मंजूर साहब हैं, उन्होंने हाल ही में खोज की थी उधर एहरबल संगम साइड में, उन्होंने भी फॉसिल वो साइट उन्होंने डिस्कवर की थी उधर। तो फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी कोशिश करता हूँ, मैं इसी तकरीबन इसका जो आल्टीट्यूड है ये सेम वही है। मुझे पूरा लगता है कि संगम साइड से लेकर यहाँ बर्जी हालन तक ये लेडन है, ये पूरा ये पहाड़ भरे पड़े हैं फॉसिल्स से। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ एक रिसर्च सेंटर भी कायम हो और साथ में इको टूरिज्म प्रमोट हो और जियो टूरिज्म भी साथ में प्रमोट हो, ताकि ये जो ये प्रोफेशनली काम हाईलाइट हो।